नहीं मन करता यार इतनी सारी वीडियो बनाने का। आप भी जानते हो कि भाई ये चीजें बहुत ज्यादा फैल रही है। अब देखो यार, ज्ञान भाई का एक्सीडेंट हो रखा है, मैं अब तक एक ही शॉर्ट बनाया हूँ, उससे ज्यादा नहीं बनाया, और एक तरफ से देखा जाए तो सभी व्यूज के लिए ही कर रहे हैं, बट एक हद होती है मेरे भाई। अगर इतनी पोटेंशियल अगर तुम फ्री फायर के कम्युनिटी में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में लगा देते ना, हर एक यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, प्लस ऑडियंस तो साथ देगी, लेकिन इन लोगों को क्या करना है, फ्री फायर से हटकर अलग अलग टॉपिक की वीडियो बनाना है। चलो ज्ञान भाई तक थे सही थे यार, ज्ञान भाई के चैनल पे वो सारी वीडियो सारी थी, मैं उसे एग्री करता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं यार, कुछ यूट्यूबर और बना लिए भाई। लिटरली तुम देखो साढ़े एक एक यूट्यूबर साले कहीं के व्यूज के छापने के चक्कर में अपने चैनल पर कोई और टॉपिक नहीं सूझ रही, जाकर मिल रहे और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब पता लग रहा है भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं ज्ञान भाई से जेलस कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ ज्ञान भाई से मैं जेलस करता तो मैं उनके ऊपर भी ये एक छोटा सा शॉर्ट नहीं बनाता, सीधा साला साला बड़ी वीडियो बना के ना मैं एडवर्टाइजमेंट लगवा देता और अच्छा खासा मैं उनसे माध्यम से अच्छे खासे व्यूज में भी ले सकता था, बट क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिटरली मुझे पता लगता है कि भाई ये एक एक्सीडेंट है। और देखो हमारा फ्री फायर कम्युनिटी इतना गंदा ना भाई, किसी के साथ कुछ भी होता है ना तो उस पर 10 नहीं 12 नहीं 1000 वीडियो बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिखाने के लिए, यानी कि मदद करने के लिए। अभी तुम वहाँ देखना, चलो एक होता है कि हाँ भाई एक साथ रहते हौसला बुलंद होता है, मानता हूँ, बट भाई हद हो जाती है कि तुम उस पर कई बार रिपीटेड वीडियो बना रहे हो। कब कभी शर्म आता ना कि यार ये फ्री फायर कम्युनिटी में ना पोटेंशियल नहीं है, इसलिए लोग कभी कभी देखना अपनी ऑडियंस भी ना कभी VGMI के काफ़ी तारीफ करने लगता है। मैं ऐसा नहीं कहता भाई कि मैं फ्री फायर कम्युनिटी का तो मैं VGMI का बुरा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि उनकी कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि ई स्पोर्ट्स को भी उस स्थिति में ठीक ठाक चला रहे थे, ठीक है। और फ्री फायर इंडिया का भी अगर तुम बात करो ना कि भाई इतने डीले हो गया, ये भी जल्दी आ जाए, लेकिन यूट्यूबर्स मिलते ही नहीं एक साथ यूट्यूबर मिल जाए ना और पूरी ऑडियंस का पावर मिल जाए तो भाई गरेना को झुकना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों नहीं हो, क्योंकि बड़ी कंपनी अगर वो बना है तो हमारे दम पे ही बना है। और अगर तुम चाहते हो कि फ्री फायर इंडिया भी जल्दी आए, या फिर मान लो कि फ्री फायर में कोई ऐसा भी ताम झाम ना हो जिससे यार हमें देखने को आगे चल को मिले, जैसे कि कभी यार सर्वर ही क्रैश हो जाता है, कभी सर्वर बांटने लगते हैं, कभी इधर का उधर का, कभी उधर इधर, तो भाई ये सब तभी अच्छा हो सकता है जब हम जैसे लोग और अच्छे यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो एक साथ आ जाएं। अब इसलिए मैं एग्जांपल को तुम बता रहा हूँ, जैसे ज्ञान भाई के साथ इतने सारे व्यूज़, चलो व्यूज़ के लिए कर रहे हो ना तो थोड़ा ये व्यूज़ के लिए यही कर लो मेरे यार, लंबा जाओगे यार, मतलब लंबा जियोगे, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ है मैं उसके लिए अफसोस मैं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो कभी कभी लगता है कि ये शायद कर्मा भी हो सकता है, ये लिटरली कर्मा भी हो सकता है। अब चलो एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल की बात करोगे तो अपने फ्री फायर में सबसे एक इकलौता करेक्टर इंडिया का कहोगे ना प्योर, तो वो अपने जैक करेक्टर था, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने भी वीडियोस बनाया था जब आए थे और जब उनका फायर ब्लू हुआ था तभी भी बनाए थे, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंतिम तक जो साथ दिया था उसमें मेरा नाम तो आता है, मैं खुद को अपने बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अकेले मैंने जैक को कमबैक के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, भले ही फायर ब्लू क्यों ना दे दिए, लेकिन उसी स्थिति में एक और बंदा था जो कि GTA V Fire कुछ नाम का चैनल था भाई, वो स्टोरी टाइप का एकदम फ्री फायर का बनाता था, बहुत ही धासू भाई, वो भी बंदा साथ में था, पता नहीं वो भी ठंड पड़ के क्या हो गए, लेकिन लिटरली दो लोगों के वजह से फ्री फायर में सुधार नहीं आ सकता या फिर वो जय कैरेक्टर कम बैक नहीं आ सकता, बट जो भी हो मैं यही कहना चाहूँगा भाई कम बैक आए या ना आए, बट अगर तुम ई स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देना चाहते हो, तुम चाहते हो कि यार कैरियर किसी का बन जाए, लाइफ सेट हो जाए इसके अंदर रहते रहते, देखो गेम सभी खेलते हैं, कुछ ना कुछ आपका जरिया है जिससे आप जीना चाहते हो, है ना, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि यार प्लीज़ ऐसे लोगों को अगर तुम सुधारना चाहते हो खासतौर पर ऑडियंस को, तो जाके सबसे पहले तो ये हेट फैलाओ, मैं हेट ही बोलूँगा प्यार से नहीं, तुम हेट फैलाओ हर एक यूट्यूबर जो बड़े लेवल पे, ठीक है, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, बस तुम अपने हिसाब से सोच के देखो और जाके कहना कि भाई हमें ना फ्री फायर को ना ई स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देना है, इस कम्युनिटी को अच्छा खासा बिल्डअप करना है BGMI से भी हटकर, ठीक है, हमें एटीट्यूड वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें प्यार वाला ज़िंदगी जीना है। फ्री फायर के अंदर ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है जिसके कारण ना कभी ई स्पोर्ट्स को ठीक ठाक बढ़ावा नहीं मिल पाया है, खासतौर पर इंडिया के अंदर, ठीक है, ये रियलिटी है। गवर्नमेंट का साथ तो मिलेगा ही, इतना मुझे मालूम है, बट इतने डीले कभी नहीं लगता है भाई, डीले जब भी लगता है जब ये लोग काम को ही इतना मस्खड़ी टाइप से खेल रहे हैं, ठीक है। तो भाई लिटरली बस इतना ही मुझे कहना है,
अगर तुम ज्ञान भाई के ऊपर वीडियो बना रहे हो, बनाओ, अच्छी बात है, बट इतना दिखावा मत करो यार कि मतलब मैं मिलने गया, बहुत अच्छे थे, टांग वो हो चुका है, ये हो चुका है। भाई पता है यार, पता है, मिल लिए, अफसोस है, जनक है, जो भी है, ठीक है, समझ में आता है भाई, आता है समझ में, मुझे सब दिख रहा भाई, तुम सारे व्यूज़ के लपेटे में हो। ये कम्युनिटी इतनी ख़राब है, जब स्काई लॉर्ड भी डेथ हुआ था ना भाई, उसके ऊपर भी कई वीडियो बने थे, कई ज़्यादा वीडियो बने थे, एंड भाई बता नहीं सकता, बहुत ही कम्युनिटी इतनी ख़राब है भाई, मतलब किसी के मरने हुए के पे ऊपर भी व्यूज़ बहुत अच्छे खासे लिए जाते हैं, समझ रहे हो। तो भाई प्लीज़ अवेयर रहो, इस कम्युनिटी से थोड़ा अच्छा करना चाहते हो तो अपना दिमाग को सुधारो, समझो यहाँ क्या हो रहा है। बाकी मैं आप लोगों के सामने ज्ञान ही नहीं बनना चाहता, मेरे को इतना ज्ञान था कि मुझे क्या बोलना था, मैंने बोल दिया। नफरत फैलवाना चाहते हो तो मेरे से बेहिचक होकर तुम नफरत करो, बट आज बहुत बड़ी ज्ञान दे दिया यार, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन जो भी है, आज दिल की बात निकल गई, आज मेरा हल्का हो गया मन भाई। खैर बस इतना ही कहना था, और ठीक है यार, खुश रहो, मस्त रहो, एंड फ्री फायर इंडिया को थोड़ा अच्छा करना चाहते हो, इस कम्युनिटी को बिल्डअप करना चाहते हो तो मेरे साथ सब कोई एक कमेंट में ये लिखेंगे, #हम फ्री फायर कम्युनिटी को सुधारेंगे।